गाइज, हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस का बहुत यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि मैं तुमसे डरने नहीं वाला, बे किसी से डरने नहीं वाले, बे दोनों अब इससे डरने नहीं वाले, मैं किसी चीज़ से डरने नहीं वाला। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे क्या आपको पता है? गाइज, अगर आपको नहीं पता आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए पहले आपको यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद इज, आम, आर, इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है नॉट, गोइंग टू बी, अफ्रेड ऑफ, इसके बाद ऑब्जेक्ट नाउन या फिर प्रोनाउन। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से स्ट्रक्चर को और भी अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। वे दोनों अब इससे डरने नहीं वाले। नाउ बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ दिस। नाउ बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ दिस। वो उसकी धमकियों से डरने नहीं वाला। ही इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ हिज थ्रेट्स। ही इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ हिज थ्रेट्स। हम अब चुनौतियों से डरने नहीं वाले। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस। बे किसी से डरने नहीं वाले। दे आर नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ एनीवन। दे आर नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ एनीवन। मैं किसी चीज़ से डरने नहीं वाला। आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। मैं तुमसे डरने नहीं वाला। आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू। आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू। वो उनके गुस्से से डरने नहीं वाली। सी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ देयर एंगर। सी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ देयर एंगर।